सो हे व्हाट्सअप गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम आपके लिए एक नई थीम लेकर के आ चुके हैं। सैमसंग गैलेक्सी S20 की ये थीम है। पूरे आइकन पैक आपको टॉगल्स वही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका वॉलपेपर और नोटिफिकेशन पैक के जो टॉगल्स हैं वो आपको यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी के ही पूरे देखने को मिलते हैं। सो लिटरली इस वीडियो में हम आप इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग है और इस बार थीम फाइल जो है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो जाकर के डाउनलोड करके एक बार इंस्टॉल कर लेना। तो कुछ इस टाइप की आपको थीम देखने को मिलती है। और यहां पर बात करें नोटिफिकेशन टॉगल से, तो नोटिफिकेशन टॉगल भी आपका पूरा का पूरा यहां पर आप देखिए चेंज कर दिया गया है। बट ये ट्रायल मुझे बहुत बुरा देखने को लगता है। सो इसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा आपको इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। तो नोटिफिकेशन टॉगल में अगर आप देखेंगे तो आपके टॉगल्स भी यहां पर अच्छे से चेंज किए गए हैं। बट आपका कलर्स जैसा आप रियलमी UI के नोटिफिकेशन टॉगल का था वैसा ही आपको देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए पूरा नोटिफिकेशन टॉगल आपका चेंज कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर आपके आइकन्स की बात करें तो आइकन्स पैक अगर आप यहाँ पर खुद देखेंगे तो आइकन्स पैक जो है वो भी आपके यहाँ पर चेंज किए गए हैं। साथ में आपको वॉलपेपर सैमसंग गैलेक्सी S20 का जो है वो पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स की लुक में भी आपके टॉगल्स यहाँ पर पूरे के पूरे चेंज किए गए हैं। सो आप देखिए यहाँ पर सेटिंग्स के टॉगल्स में भी आपके पूरे के पूरे जो टॉगल्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। सो लिटरली मुझे ये थीम बहुत बढ़िया लगी। अगर आपको ये थीम अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ये थीम कैसी लगी। साथ में अगर आप नीचे नेविगेशन बटन्स देखेंगे तो वो भी यहाँ पर आपके चेंज कर दिए गए हैं, जिनकी लुक तो मुझे बहुत बढ़िया देखने को लगती है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और आइकन्स पैक अगर आप देखेंगे तो पूरे आपको सैमसंग वन UI के आइकन पैक के साथ साथ वॉलपेपर भी आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 का देखने को मिलता है। और लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन में आपको कुछ इस टाइप की लुक के साथ आपका क्लॉक्स जो विजिट है वो यहाँ पर सेंटर में कर दिया गया है। और आपकी डेट को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर आपका उनका कलर्स यहाँ पर वायलेट कर दिया गया है। साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसका एनिमेशन है मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। ये एक नया एनिमेशन है जो रियलमी UI में आया हुआ था, रियलमी X में, उसको यहाँ पर लगाया गया है। तो लिटरली ये बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। तो आप फिर से एक बार ट्राई करके देख लेना। यहाँ पर आप देखिए आपको इस टाइप की लुक लॉक स्क्रीन के साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का एनिमेशन अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलता है। सो लिटरली ये थीम मुझे बढ़िया लगी, आपको अच्छी लगी प्लीज कमेंट करना, एक कमेंट कर देना कि आपको ये थीम कैसी लगी। और फ्रेंड्स, बात करें इस थीम के चार्जिंग एनिमेशन की, तो आपके सामने यहाँ पर लाइव मोबाइल फोन को चार्जिंग के ऊपर लगा रहा हूँ, तो चार्जिंग एनिमेशन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है। सो लिटरली ये चार्जिंग एनिमेशन मुझे बहुत बढ़िया लगा। अगर आपको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताना आपको ये चार्जिंग एनिमेशन कैसा लगा। साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का एनिमेशन दोनों ही यहाँ पर बहुत बढ़िया है, इन डिस्प्ले का भी और चार्जिंग एनिमेशन भी, किस तरह से आपका जो चार्जिंग एनिमेशन है वाइप हो रहा है। सो लिटरली फैंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लेना। थीम पाल के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं रखा गया है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हर बार बोलते हो कि डाउनलोड नहीं कर पाते यहाँ पर मेरी थीम्स को, तो ये रही थीम्स। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया फ्रेंड्स, क्लिक किया तो आपका यहाँ पर क्रोम या कोई भी और ब्राउजर आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो साथ में मैं इसको चार्जिंग पे हटा दूं, तो यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप की लुक देखने को मिलेगी। आपको जो इमेजेस यहाँ पर दिख रही होगी डाउनलोड नाउ की, इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे और यहाँ पर एक और पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद सिंपली से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। ये वाला वेरीफाई नहीं, जो ये छोटे वाला वेरीफाई है, इसके ऊपर क्लिक करना है और एक और पेज ओपन होगा। उस पेज के ओपन होने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रोल डाउन करना है और थोड़े से ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई एम नॉट अ रोबोट, इसको आपको क्लिक कर देना है। और इसी जब कई बार यहाँ पर आपसे पूछ भी लेता है और कई बार ऐसे यहाँ पर टिक हो जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, कई बार एड्स आ जाती हैं तो इसको यहाँ से हटा करके आप यहाँ पर फिर से आ जाइए। तो यहाँ पर ये थीम आ चुकी है, आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना, आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर आपकी टाइमिंग चली होगी। जब तक ये टाइमिंग पूरी नहीं होगी आपका ये प्लीज वेट वाला नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। कई यूजर्स यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना, आपको नीचे आकर के यहाँ पर जब ये टाइमिंग पूरी हो जाएगी, ये वाली जो 0 सेकंड हो चुका है, अब यहाँ पर गेट लिंक आ चुका है, क्लिक करें और फिर से कई बार ऐड आ जाती है तो यहाँ से हटा दें और ये सीधा आपको गूगल ड्राइव के ऊपर ले जाएगा और आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो जाकर के एक बार ट्राई जरूर कर लेना। बाय बाय।